अगर मैं अध्यक्ष के उस शासन पर रहता तो नेता विरोधी दल को अब मार्शल आउट करवाता। वो वैसे कह रहे हैं, अरे कोई असुरक्षित नहीं है, कुछ उपद्रवी लोग हैं जिनकी पहचान हो रही है और पहचान होते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। सदन की परंपरा होती है मार्शल आउट करने का, ये परंपरा है, लेकिन अध्यक्ष को बेशरम कहना, गाली देना, ये सदन की परंपरा नहीं रही है। सदन के अंदर अध्यक्ष को अंगुली दिखाते हैं, ये परंपरा कभी नहीं रही है। ये सदन की परंपरा तार तार की गई है। अध्यक्ष बेचारा एक गरीब का बेटा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? ये सदन गवाह है ना, सब विधायकों को बाहर फेंकवा करके मार्शल से जूता से पिटवाए थे ना। सदन की परंपरा रही है, सदन की एक मर्यादा होती है, इसलिए दोहराया जा रहा है, नियमावली होती है, नियमावली होती है इसकी। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र है, सदन के अंदर जिस प्रकार से मार्शल आउट किया गया है भाजपा विधायक को, क्या हो रहा है सदन के अंदर, क्या हो रहा है? आप देख नहीं रहे, आप तो ऊपर थे ना, किस तरह से उपद्रव कर रहा था ये बीजेपी वाले लोग। बीजेपी वाला बाहर भी उपद्रव पैदा करता है और अंदर भी करना चाहता है, सरकार उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अध्यक्ष के ऊपर भी अगर मैंने हमारे अध्यक्ष जी को, आसन को भी गाली देने का काम किया है और इन लोगों ने अभद्र व्यवहार करने का काम किया है। अगर मैं अध्यक्ष के उस आसन पर रहता तो नेता विरोधी दल को अब मार्शल आउट करवाता। क्या क्या उन्होंने कहा सदन के अंदर, क्या कहा? आप लोग देखिएगा, हम लोग उस भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे, संसदीय भाषा का प्रयोग किया है। सवाल यह है भाई वीरेंद्र जी की, जिस प्रकार से नालंदा और राम की घटना हुई है, आप लोग पूरी तरीके से तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, आरोप है। ये गोदी मीडिया का द्वारा चलाया जा रहा है, ये गोदी मीडिया जो मोदी मीडिया है ये चला रहे हैं, लेकिन हकीकत आपको बता दें, मेरे पास वो वीडियो है जिसमें किस तरह से मकबरा में घुसकर तलवारें भांजी जा रही है बीजेपी के द्वारा और उपद्रव पैदा करना चाहता है। लेकिन बिहार की जनता, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, सभी संप्रदाय के, सभी समुदाय के लोगों को और सभी धर्म के लोगों को बधाई देना चाहते हैं जो आपने दंगा होने से बचाने का काम किया। सवाल सरकार से लगातार पूछा जा रहा है कि आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई भाई जाँच चल रही है, जो लोग हैं पकड़े गए हैं 173 लोग, जांच हो रही है और जो लोग आएंगे उसको पकड़े जाएंगे। बिहार में मुसलमान असुरक्षित हैं, वो वैसे कह रहे हैं। अरे कोई असुरक्षित नहीं है, कुछ उपद्रवी लोग हैं जिनकी पहचान हो रही है और पहचान होते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। बिहार सरकार के मंत्री सर, सदन से बाहर निकाला गया, मार्शल आउट किया गया और सदन के अंदर क्या कुछ हुआ, यही उपाय बच गया है बस मार्शल आउट? अब आपको शायद पता नहीं है सदन का परंपरा। सदन की परंपरा होती है मार्शल आउट करने का, ये परंपरा है, लेकिन अध्यक्ष को बेशरम कहना, गाली देना, ये सदन की परंपरा नहीं रही है। सदन के अंदर अध्यक्ष को आप बेशरम कह रहे हैं, सदन के अंदर अध्यक्ष को अंगुली दिखाते हैं, ये परंपरा कभी नहीं रही है। ये सदन की परंपरा तार तार की गई है। अध्यक्ष बेचारा एक गरीब का बेटा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? वो गरीब के बेटे हैं, आपके जब विपक्ष के नेता स्पीकर थे, ये सदन गवाह है ना, सब विधायकों को बाहर फेंकवा करके मार्शल से जूता से पिटवाए थे ना। सदन की परंपरा रही है, सदन की एक मर्यादा होती है, इसलिए दोहराया जा रहा है, नियमावली होती है, नियमावली होती है इसकी। नियम से संसद चलता है, नियम से सदन चलता है। उस वक्त तो बिहार पुलिस भी अंदर गई थी जब विधायकों को फेंका जा रहा था। फिर ये बिहार पुलिस का मामला नहीं है ना, सवाल है कि सदन के अंदर अध्यक्ष सब कुछ होते हैं और अध्यक्ष आदेश देते हैं कि जूता से मारो, अध्यक्ष आदेश देते हैं कि मार्शल आउट करो। तो हमारे अध्यक्ष संस्कारी थे जिन्होंने कहा कि मार्शल आउट कर दीजिए, सदन नहीं चलने थे, ये परंपरा है। लेकिन जूता से पिटवाने का कोई परंपरा रहा है क्या? आपके अध्यक्ष को आरजेडी का प्रवक्ता कहा जा रहा है, अब क्या वो कहते हैं उनसे पूछ लीजिए। मैं जानता हूं कि जो अध्यक्ष होता है वो पक्ष विपक्ष दोनों का होते हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल, तो हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री थे, बड़े इंस्पिरेशन के साथ, नमस्कार।